हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज है 18 जून। 18 जून को हम पढ़ेंगे जो करंट अफेयर हैं आज के, बहुत इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से, करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम करते हैं क्विज। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन का क्विज करेंगे और क्विज में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करंट अफेयर और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहले मैं 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगर आपको आ रहे तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। पहला है चरण पाद का पहल, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये जो सारी योजनाएं हैं ये किस सरकार की हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जय तू भारतम गीत कितने लोगों ने गाया है। ठीक है, ये बताना आपको कितने लोगों ने गाया है। ठीक है, ये गाना एक साथ बहुत सारे लोगों ने गाया है तो इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, पब्लिक हेल्थ स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको बताना है किस राज्य में ये शुरू किया गया है। कवक की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, तो एक कवक खोजा गया है। ठीक है, उसकी प्रजाति का क्या नाम रखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम आते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है। ठीक है, तो एक ये डिस्प्यूटेड एरिया बनने वाला है, तो इसके में कौन सा अपना पड़ोसी देश है जिसने ऐसा किया है। ठीक है, जो अपना क्षेत्र से बता रहा है तो इसके बारे में आप बताइएगा। तो 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, अगर आपको आ रहे हैं तो आप अपने आंसर को कमेंट करिए और बताइए कि यहां का आंसर क्या होगा। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 जून को। और ये मनाया क्यों जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा डिजर्टिफिकेशन है और जो ड्रॉट यानी कि जो सूखा है, इसके बारे में हम लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं, इस वजह के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट नंबर क्विज पे। चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए जो बनाई गई थी, और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो ये किस सरकार ने शुरू की गई है। ये है सरकार मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है उनका क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। ठीक है, अब तो इतनी दो चीजें हो गई। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे एक मंदिर है जो है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो के मंदिर के बाद आता है आपका सांची का महान स्तूप। ठीक है, खजुराहो का मंदिर और सांची का महान स्तूप किसने बनवाया, किस वंश के राजाओं ने बनवाया, तो ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, ठीक, आप ये हमें बताएंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे किसने करवाया। उसके बाद यहाँ पे एक कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर है। ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे कुछ आपके नेशनल पार्क हैं जैसे पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और यहाँ का जो पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो है भारतीय स्वर्ग फ्लाइड कैचर। ठीक है, भारतीय स्वर्ग फ्लाइड कैचर, ये यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जय तू भारतम गीत कितने लोगों ने गाया है, तो ये गाया है 211 लोगों ने। ठीक है, और किस लिए गाया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। हम आते हैं थर्ड नंबर क्विज पे, पब्लिक हेल्थ स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ये हो गया। अब यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ के जो सीएम है उनका क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल।
और यहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। और यहाँ पे कई सारे मंदिर है जैसे कि योग माया मंदिर, ठीक है। तो योग माया मंदिर आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये योग माया मंदिर कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। और यहाँ पे है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला है कि कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे? ये भी है दिल्ली में। और कुतुब मीनार की जो हाइट है ये आपसे बार बार पूछी जाती है, बार बार आपसे पूछी जाती है कुतुब मीनार की हाइट। तो कुतुब मीनार की हाइट क्या है? कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर। और इसको अगर फीट में करना हो तो 238 फीट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और खास बात है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की इमारत, तो दुनिया में सबसे ऊंची ईंट की इमारत कौन सी है? तो ये है आपकी कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कवक की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो कवक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है ट्विटर, ठीक है। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर के जो सीईओ है इनका नाम है जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो ये देश है नेपाल, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। अब देखिए नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। यहाँ के जो पीएम हैं वो कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक है। कौन है? केपी शर्मा ओली। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक बहुत ही ऊंची हिमालय है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कितना, इसकी हाइट आपसे पूछी जाती है पेपर में, कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। और इसको हम जो नेपाल में हम इसे कहते हैं, नेपाल में हम इसे कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। और राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का क्या है? मोनाल। क्या है? मोनाल। तो चलिए अब आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं, ठीक है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना उत्तर प्रदेश। इसके पहले था छत्तीसगढ़ लेकिन अब हो गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भारत का पहला हेल्थ एटीएम खुला था, और ये हेल्थ एटीएम कहाँ पे खुला था? ये खुला था चारबाग रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने एक हेल्पलाइन शुरू की थी जिसका नाम था दामिनी हेल्पलाइन, ठीक है, ये यूपीएसआरटीसी ने शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी थी लखनऊ में। अब भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पे खुल रहा है? ये खुल रहा है कुशीनगर में। उसके बाद है एक क्वेश्चन और, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुल रहा है? तो ये खुल रहा है महाराजगंज में। कहाँ पे खुल रहा है? महाराजगंज में। और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए उत्तर प्रदेश से। अब हम आते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जयदीप धनखड़। क्या नाम है? जयदीप धनखड़। तो जो गवर्नर है उनका नाम है जयदीप धनखड़। जयदीप धनखड़। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट है हैप्पी वैली टी स्टेट, ठीक है, हैप्पी वैली टी स्टेट। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैप्पी वैली टी स्टेट कहाँ पे, तो ये है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, नेशनल पार्क गुरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पे है? ये सब है आपके वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो आपका हावड़ा ब्रिज है उसका नाम एक और है, उसको कहते हैं रविंद्र सेतु, ठीक है, और ये हुगली नदी पे बना हुआ है।
उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? तो इनका नाम है अनमोल नारंग। ठीक है, क्या नाम है? अनमोल नारंग। उसके बाद एक, ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कैपिटल। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? ठीक है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। ठीक है, कौन है? माइक पेंस। उसके बाद हम आते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो, जैसे आप YouTube यूज करते हैं, ठीक है, Google यूज करते हैं, तो ये सारी Amazon, ठीक है, ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं? ये सारी कंपनियां हैं यूएस की। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सारी कंपनियां किस देश की हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो ये देश है भारत। ठीक है, कौन है? भारत। अब देखिए, भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मनगण। ठीक है, जनगण मन। और गीत क्या है यहाँ का राष्ट्रीय गीत? वो है वंदे मातरम। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है हमारे, लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अब आते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक पर भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये था 43। कौन सा था? 43। अब ह्यूमन, अब बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, तो भारत में सबसे अच्छा गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस प्रदेश का है? तो वो है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 129 और टॉप कंट्री है इसमें नॉर्वे। अब आते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक है इसमें 5वां। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है जापान। कौन है? जापान। इसके बाद हम आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे, हरियाणा से खेल रत्न पुरस्कार से नामित है, तो वो कौन है? यह है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट ऐसी पहली प्लेयर है, ठीक है, रेसलिंग में, जो टोक्यो 2021 में क्वालिफाई कर गई है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2021 में क्वालिफाई करने वाली कौन सी खिलाड़ी है? तो यह है विनेश फोगाट। ठीक है, ये रेसलर है। और रानी रामपाल को भी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, और हमारे जो क्रिकेट के हैं रोहित शर्मा, उन्हें भी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आरोग्य पथ। क्या नाम है? आरोग्य पथ। अब CSIR का जो फुल फॉर्म होता है आप इसे जान लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये बना कब था? ये बना था 26 सितंबर 1942 में। कब बना था CSIR? 26 सितंबर 1942 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है? शेखर सी मांडे। डायरेक्टर जनरल हैं ये, हैं शेखर सी मांडे। ठीक है, तो दोस्त ये हो गया आज के करंट अफेयर। ठीक है, और क्विज भी आपने कर ही लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपको 10 क्वेश्चन क्विज कराऊं। ठीक है, तो ये हो गया है 18 जून का करंट अफेयर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।